महोबा में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर जनपदीय पुलिस प्रशासन की ओर से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा तिरंगा जुलूस का आयोजन किया गया। कन्नौज में किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। किशोरी की बुआ के खिलाफ भी पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किशोरी के बयान के बाद नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिरोजाबाद की नगर पंचायत मखनपुर में अस्थायी गौशाला की हाल की खामियों का निरीक्षण भाजपा महिला मोर्चे के महानगर उपाध्यक्ष रुचि पंचौरी ने किया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस मामले को पहले प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित की गई है। आज तहसीलदार कानून गो और लेखपाल ने गौशाला का दौरा किया और उन्होंने सभी खामियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर में बनारस हिंदू विवि से संबद्ध भारतीय तकनीकी संस्थान से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम को जलालाबाद के कोलाघाट पुल पर पहुंची टीम के इंजीनियरों ने पुल के दो पिलर के पास जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर मिट्टी की जांच की। इस दौरान सपा नेताओं ने टीम में शामिल होकर अभियंताओं से भेंट की। कन्नौज में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर फरार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, जिससे कॉलेज परिसर में तनाव बढ़ गया। अराजक तत्वों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। जालौन जिले के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर 20 हेक्टेयर बिहंड ने वन विकसित किया जा रहा है, जिसमें फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। बधुगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने पूजा अर्चना कर वृक्षारोपण किया। पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ लगाया। इस पहल से क्षेत्र की तस्वीर बदलने, शुद्ध ऑक्सीजन और फल मिलने की उम्मीद है। आजमगढ़ में डीएलएड परीक्षा में बड़े पैमाने पर निकल की शिकायतों के बाद पुलिस ने सेठफल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज पर छापेमारी की। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य, लिपिक, दो शिक्षक हैं, एक चपरासी और अन्य शामिल है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में सीसामाव विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर बैठक की और हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति को बढ़ावा देने का समर्थन किया। कानपुर में साइबर ठगों ने एआई का इस्तेमाल कर ठगी का नया तरीका अपनाया है। पेंसिल कंपनी के घर बैठे रोजगार के विज्ञापन में कानपुर दक्षिण के एडीसीपी अंकिता शर्मा ने वीडियो दुरुपयोग किया गया। वीडियो में 15,000 रुपए के रोजगार के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करने की बात कही गई। एडीसीपी की किसी घटना पर दी गई बाइट का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोविंद नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों और बैनरों के जरिए बांग्लादेश सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ध्यान देने की अपील की है। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्कूली बच्चों के नाव से स्कूल जाते वीडियो सामने आए हैं। ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन नाव से ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं। पहले यहां पर पाइप वाली पुलिया थी, जिसको प्रशासन ने बनवाने की बात कही थी, लेकिन बाढ़ आने के बाद पुलिया भी बह गई, जिसके बाद अब एकमात्र सहारा नाव ही बची है, जिसके बाद बच्चे नाव के सहारे स्कूल जाते हैं। पीलीभीत के रिछौला चौकी के पास महिला वकील और मुंशी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला वकील की गंभीर हालत के कारण बरेली रेफर किया गया। एसपी और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। महिला वकील थाना मथुर टंडा की निवासी है।